नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार और एक बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को ये हो चुका है, कई लोग करोड़ों लोग इससे सफर कर रहे हैं, लोगों की जान आफत बन गई है, कई लोग पर डे इससे मर भी रहे हैं। कारण प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। ANA पॉजिटिव, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक टेस्ट है जो इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में कई खतरनाक जानलेवा बीमारियां हो सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं, बहुत सारे लोग, जब मैंने लास्ट टाइम ANA पॉजिटिव पर वीडियो बनाया था, कई कमेंट्स ऐसे आए कि आपने इसके लिए तो पर्टिकुलर मेडिसिन बताया ही नहीं है। मैं यहां पर क्लेरिफाई कर देता हूं कि ANA पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है। सही तरीके से समझने की कोशिश करें, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर इन बीमारियों से सफर कर रहे हैं तो आपके अंदर ये बहुत ही जानलेवा चीज हो सकता है जो आपकी मौत का कारण बन सकता है। ANA पॉजिटिव एक टेस्ट, जैसे कि मैंने कहा है, आमतौर पर अगर हम देखें नॉर्मल इम्यून सिस्टम, हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो एंटीबॉडीज तैयार करता है जो कि फाइटर सेल्स है। बाहर से जब हमें कोई इन्फेक्शन आता है, किसी भी तरह का क्यों ना हो, वो एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस बाहर से आया हुआ फॉरेन मटेरियल इज कॉल्ड एज एंटीजन। हमारे शरीर में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैसे लड़ता है उनके साथ, एंटीबॉडीज तैयार करता है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होके उनको क्लंपिंग करता है और उनको निकाल बाहर फेंकता है या फिर उनको मार डालता है। ये सिस्टम चेन ऑफ रिएक्शंस होता है। लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो जाए, थोड़ा पागल हो जाए, थोड़ा कुछ उसमें खराबी आ जाए, तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज तैयार करने के जगह पर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज तैयार करता है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज जिसको बोलते हैं ANA, ठीक है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज क्या करता है, नॉर्मल एंटीबॉडीज की जगह पर ये जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज है, ये हमारे सेल के, हमारे शरीर के जो अच्छे वाले सेल्स हैं उनके ऊपर ही एक्शन करना शुरू होता है, ये सोच के कि ये एंटीजन है, फॉरेन मटेरियल है, हमारे शरीर के जो सेल्स है उनको बाहर का मटेरियल समझ के उनके सेल के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपको पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो इंसान का जैसे ब्रेन होता है ना, मुख्य पार्ट जो कि उसको संचालित करता है, ठीक है, उसी तरह सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके पूरे सिस्टम को प्रचालित करता है, नियंत्रित करता है उसको, तो उस न्यूक्लियस के ऊपर हावी हो जाता है और उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और अल्टीमेटली शरीर के जो जितने भी अच्छे सेल्स हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं। तो जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ, हमारे सेल के अलग अलग जगह के ऑर्गन के, चाहे घुटनों के हो, चाहे लीवर हो, किडनी हो, सर से लेकर पांव तक अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोकोमोटर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं, अलग अलग सिस्टम के अलग अलग सेल्स होते हैं। जब ये चीज आपके सेल्स के ऊपर, अलग अलग सिस्टम के ऊपर एक्शन करते हैं, उनके सेल्स को डैमेज करते हैं, तो उस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां आपके अंदर हो सकती है। स्किन में भी होता है, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम है, तो ये बीमारियां ऑटोइम्यून डिजीज कहा जाता है क्योंकि इसका प्रॉपर कारण नहीं पता चलता है। जब हम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएं तो ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब है कि आपके सेल को ही वो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। आपका इम्यून सिस्टम, आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति आपका ही दुश्मन बन जाता है और वो अलग अलग सिस्टम के सेल्स को मारता है। तो जिस सिस्टम के सेल्स को वो मारने लग जाता है उसी चीज का हमारे ऊपर असर पड़ता है और बीमारी होती है। बहुत सारे इम्यून सिस्टम है, बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, जैसे कि आपको पता होगा ग्रेव्स डिजीज, सोराइसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे भी कई तरह के सेल्स हैं जो भी आपके
सिस्टम को प्रॉब्लमेटिक कंडीशन पे खड़ा कर देता है। बहुत ही खतरनाक होते हैं ये बीमारियाँ, इवन कि कैंसर भी पैदा होता है। और उसके साथ साथ जैसे कि आपने देखा स्क्लेरोडर्मा है, ल्यूपस, रिमाटोइड आर्थराइटिस, ये तमाम चीज़ें इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। जब ये खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाते हैं, लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो डिस्ट्रक्शन कई ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है कॉम्प्लेक्स मायजम में पहुंच जाता है, जहां पर सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस तीनों मायजम को कवर करता है। तो आपको दवा के मामले में होम्योपैथी का कैसे चूज करना है, बीमारी के हिसाब से तो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पता चले कि ANA पॉजिटिव है, इसका मतलब जो खून की जांच किया जाए, अगर वहां पर मिले कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज पाया जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर जो इम्यून सिस्टम है वो खतरनाक सेल्स तैयार कर रहा है आपके सेल्स को मारने के लिए। तो उसके आधार पर आपको एक ऐसी दवा सिलेक्शन करनी है जो कि एंटी सोरिक, एंटी साइकोटिक, एंटी सिफिलिटिक तीनों मायजम को कवर कर सके। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आर्सेनिकम एल्बम, वो एक एंटीसोरिक भी है, एंटीसाइकोटिक भी है, एंटीसिफिलिटिक है। ऐसे कई सारी दवाएं हैं जो कि तीनों मायजम को कवर करता है। कॉस्टिकम है, रस्टॉक्स है, फॉस्फोरस, ट्यूबरकुलिनम, कैर्सिनोसिनम, ये जो दवाएं हैं ये कई सारे मायजम को कवर करता है। जब लेटर स्टेज में हमें पता चलता है कि ये दवा बहुत ही एक्यूट कंडीशन में दर्द पैदा करता है, तो इन मल्टीपल जो मायोसिन को कवर करने वाले दवाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल दवाएं हैं, डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट भी हो सकते हैं, एक्यूट भी हो सकते हैं, इनके साथ आप दूसरी दवाओं को, मदर टिंचर्स को, बायोकेमिक दवाओं को, उनको भी साथ में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1 mg पोटेंसी तीनों में यूज होता है ये दवाएं, जो भी आपके लिए बेस्ट सिलेक्टेड हो। 30 के दो तीन दवाएं आप साथ में दे सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में 15 मिनट से आधे घंटे का आप गैप रखना, एक साथ चालू हो सकता है। तो जो जो बीमारियां मैंने कहा है, चाहे ल्यूपस हो, सोराइसिस, जो जिसके केसेस बहुत ज्यादा हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूँ, ल्यूपस, सोराइसिस, रिमाटोइड आर्थराइटिस, ये तीन, और चौथा हुआ टाइप 1 डायबिटीज भी है, जो कि एक ऑटोइम्यून कैटेगरी में रखा गया है, तो अपने सेल को वो डिस्ट्रॉय करता है, इंसुलिन के सेल्स को, बीटा सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो सिस्टम ऑफ चेन ऑफ रिएक्शंस है जो आपके लिए खतरा है, उसको कैसे रोका जाए। देखिए, एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो नहीं जान पाते कि ये जो पागलपन है, ये जो इम्यून सिस्टम का पागलपन है, क्यों अपने सेल को ये डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, क्यों एंटी न्यूक्लियर एंटीजन ये तैयार कर रहा है, उनको नहीं पता। लेकिन बहुत बार ऐसे क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड हुआ है कि जब हम एलोपैथिक की दवाएं, एंटीबायोटिक्स हो, स्टीरॉयड्स हो, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं किसी दूसरे कारणवश, बीमारी आपका बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, कुछ स्किन डिजीज आपको है, कुछ सर्दी जुकाम आपको है, कुछ डायरिया आपको हो रहा है, ये चीज़ें क्यों होती है नेचुरली, शरीर का ये जो प्रोसेस है, ये हमारे शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिन्स आ गए हैं, कुछ पॉइजनिंग आ गए, तो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस है। लोगों को डायरिया हो जाता है, लोग घबरा जाते हैं कुछ हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर ये भ्रामक चीज़ फैला दिया गया है कि अगर डायरिया हो गया तुम्हें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। नहीं होता भाई, अगर वाटरी स्टूल होता है, दो दिन, एक से दो दिन के आसपास होता है, कंटिन्यूसली होता है, दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार होगा, तो ही आपको डिहाइड्रेशन होगा, और वो भी तब जब आप इंटरनली कुछ ना ले पा रहे हो, जब आप पानी भी नहीं पी पा रहे हो, नहीं रहता आपके शरीर में, वो निकल जाता है, तब जाकर आपको डिहाइड्रेशन होता है। जब तक आपके शरीर में कुछ टॉक्सिन्स है, वो निकला नहीं है, वो डायरिया रहेगा। थोड़ी सी होम्योपैथी की दवा लीजिए, वो बैलेंस कर देगा जो एक्सेस वाटर स्टोर। कल ही एक केस ऐसा है, कल ही एक हमारे उड़ीसा के केस है, मिस्टर महापात्र, उनको बहुत ज़्यादा वाटरी डायरिया हो रहा था, एंटीबायोटिक्स लिया आपने, जैसे कि हमेशा लोग लेते हैं O2, ओफ्लॉक्सेसिन, ओनिडाजोल, लोप्रामाइड वगैरह, लोप्रामाइड तो बहुत ही जानलेवा है, तुरंत रोक देता है, और उसका जो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब होम्योपैथी की हमने दिया वेराट्रमाल्बम, जो दवा O2 ओफ्लॉक्सेसिन ओनिडाजोल 5-7 दिन लेने के बाद भी काम नहीं किया था एलोपैथिक सिस्टम का, वेराट्रमाल्बम करके एक दवा है, एक ही दिन में उनका जो
डायरिया होता है मिनिमम 15-20 बार होता था, वो 2 बार में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। तो ऐसे होम्योपैथी के कई सारी दवाएं हैं जो कि उस जो प्रोसेस में अपना साथ देकर उसको रेगुलाइज कर सकता है, उसको नॉर्मल वे में रेगुलेट कर सकता है जो कि आपके शरीर के लिए खराब ना हो। लेकिन अगर हम जबरदस्ती उसको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, कुछ भी हो, रिमाटोइड आर्थराइटिस हो, थोड़ा सा बात रोग हो गया, पेन किलर जबरदस्ती ले रहे हैं, स्टीरोइड्स ले रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो अपने शरीर के ऊपर एक्शन करना, क्योंकि वो ऑलरेडी आप बाहर से टॉक्सिन्स ले रहे हैं। कुछ भी टॉक्सिन्स अगर आप बाहर से कंटिन्यूसली ले रहे हैं वो आपके सेल के अंदर जमा हो रहा है। जब सेल के अंदर बहुत ज्यादा जमा हो जाता है ना, वो पॉइजनस हो जाता है, वो सेल आपका पॉइजनस हो जाता है। लोग समझ नहीं पा रहे, एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो समझ नहीं पा रहे, वो साइंटिस्ट शायद समझ नहीं पा रहे, या फिर समझ कर आपको अनजाना रख रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से इंडिकेट नहीं कर पा रहे हैं। जब आप कंटिन्यूसली बाहर से कुछ पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि पॉलिथिन में रखा हुआ खाना कंटिन्यूसली आप ले रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं बाहर का, केमिकल्स पेस्टिसाइड्स यूज किया हुआ जो आपके सेल को खराब कर रहा है, डैमेज कर रहा है, सेल के अंदर भरा हुआ है जो कि फ्यूचर में जाकर आपके लिए खतरा होगा, तो आपका इम्यून सिस्टम का दायित्व क्या है कि पॉइजनस सब्सटेंस को बाहर निकाल कर फेंकना, उसको डैमेज करना। जब आपका सेल ही पॉइजनस हो जाए तो वो क्या करे, उसका काम ही तो है डैमेज प्रोडक्ट जो पॉइजनस सब्सटेंस को निकाल के फेंकना या फिर उसको मार डालना। जब आपका सेल ही खराब हो गया तो उसको ऑटोमेटिकली वो मारने लग जाता है। वो कोई पागल नहीं होता, वो अपना ड्यूटी सही तरीके से कर रहा है। जैसे डिफेंस सिस्टम में हमारे सोल्जर्स हैं अपने ड्यूटी सही तरीके से कर रहे हैं, वैसे ही अपने सेल्स को वो इसीलिए डैमेज करता है कि आपने कई सारे पॉइजनस सब्सटेंस दवाई के रूप में, खाने के रूप में, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के रूप में पॉल्यूटेड सब्सटेंस जो है वो आपके शरीर में आपने ले लिया है, जबरदस्ती ले लिया है, वो आपका शरीर और आपका सेल खराब हो चुका है। अगर वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा शायद आपकी जान चली जाएगी। इसी के सोच के आधार पर इम्यून सिस्टम उस पर एक्ट करता है। तो जब आप इसको करेक्ट करना चाहे तो उस चीज को दूर रखना पड़ेगा। जो जो टॉक्सिक सब्सटेंस आप बाहर से ले रहे हैं आपके शरीर के अंदर, अपने मुंह से, आपके स्किन से, या आपके किसी भी ऑर्गन से, उसको आपसे दूर रहना पड़ेगा, तभी जाकर ये इम्यून सिस्टम करेक्ट होगा। यही उसका दवा है। 50% इस चीज से आपका ठीक होगा, बाकी का जो रहा 50% दवा ठीक करेगा। जैसे कि मैंने कहा एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक, एंटीसिविलिटिक वाला जो माइजम, तीनों माइजम कवर करते हैं जो दवाएं, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने दिया रस्टॉक्स, फॉस्फोरस, कॉस्टिकम, आर्सेनिकम एल्बम, ये दवाएं आपको अगर उस इंडिकेटेड बीमारी के आधार पर, जैसे कि आपको रिमाटोइड आर्थराइटिस हुआ तो उसके आधार पर आपको दवा, सोराइसिस हुआ तो उसके बीमारी के आधार पर आपको दवा, जो बेस्ट सिम्टोमेटिकली आपके अंदर जो जो बीमारी का जो जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है उसको कलेक्ट करके उसके आधार पर, उसके बेसिस पर आपको एक दवा का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो कि उस चीज को करेक्ट करेगा, उस टॉक्सिन को निकाल के फेंकेगा। और नेचुरली हो सकता है इस चक्कर में जो आपने सप्रेस कर दिया था वो फिर थोड़ा आ सकता है, डायरिया फिर से आपको लग सकता है, सर्दी जुकाम आपको फिर से लग सकता है, बुखार फिर से आपको हो सकता है, लेकिन डरना नहीं है। ऑटोमेटिकली होम्योपैथी दवा के इस्तेमाल से ही वो चीज भी आपका ठीक हो जाएगा और ऑटोइम्यून डिजीज भी ठीक हो जाएगा। तो ये उसका प्रॉपर प्रोसेस है। मैंने आपको आई होप सो कि ठीक से समझाया होगा। ये चीज आपको सच बताऊं कहीं पर नहीं मिलेगा, किसी वेबसाइट में आपको नहीं मिलेगा, ये बस एक्सपीरियंस से आता है जो हमने खुद सीखा है अपने क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग में और हमारे गुरुओं से सीखा है। तो आप इसको आधार करके सही करिए। एन ए पॉजिटिव आपका नेगेटिव डेफिनेटली होगा और आपको जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। इसका इलाज किसी और पथी में नहीं है, इसको सोचिए, क्योंकि एक डायनामिक डिजीज है। ओनली डायनामिक मेडिसिन कैन क्योर दिस, ये उसका फंडामेंटल चीज है। डायनामिक डिजीज को ओनली डायनामिक मेडिसिन ही ठीक कर सकती है। बाकी जितने भी है, जो भी चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो क्रूड फॉर्म में देते हैं दवाई को, वो ठीक नहीं करता। यहां तक कि होम्योपैथी के मदर टीचर्स भी इसको ठीक नहीं करेगा, वो बस सपोर्ट के लिए होता है। अगर बहुत ज्यादा कोई दिक्कत हुआ तो उसको सपोर्ट के लिए होता है, एनर्जी के लिए होता है, टॉनिक के हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन
बीमारी को क्योर नहीं करता, सिर्फ पोटेंसी मेडिसिन ही इसको क्योर कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग इसे सफर कर रहे हैं लेकिन अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।